तो यार ये जो बिल्डिंग है यही है TCS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बिल्डिंग। तो बेसिकली भाई फर्स्ट फ्लोर पे इसका जो फ्लैट है आज हम देखने जा रहे हैं, और फ्लैट मेरी मानो बहुत ही अच्छा बना हुआ है जो कि आप आगे की वीडियो में देखने वाले हो, और वीडियो को एंजॉय करो ठीक है। और जो जो डिटेल्स मैंने बताई है उसे पूरा सुनना, और यहाँ आने के लिए आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये बोर्ड आप देख लो इन्हीं का है। तो चलो यार बिल्डिंग तो देख लिया, फ्लैट दिखाता हूँ तुमको फ्लैट कैसा है। तो यार अभी आ गया हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो भाई यहाँ पे थोड़ा धीरे बोलते हैं क्योंकि आजू बाजू लोग रहते हैं, थोड़ा परेशान होंगे ठीक है। तो चलो तुम्हें फ्लैट दिखाता हूँ, तो अंदर चलते हैं। यहाँ पे बहुत देखो आप कितनी अच्छी वॉल है, वहां थोड़ा काम कर रहे हैं अभी बढ़ी रहे हैं काफी थोड़ा टीम में काम कर रहे हैं इसमें। तो भाई ये काफी अच्छी वॉल है, जैसे बाहर की सेम टू सेम वॉल है, आपके लिए बेड का सेक्शन पूरे यहाँ पे रहते हैं, बाहर का भी बहुत अच्छा विंडोज है, तो बस ये भी ओपन हो सके काफी ज्यादा मेरा लगा रहता है। यहाँ पे डोर है काफी अच्छी क्वालिटी है, अच्छा ये आप देख रहे हो ये पुराना डोर नहीं है, बेसिकली इसमें फर्नीचर ये था कि बाद में जब अपना
होल हो गई पोजिशन, तो आप उसको निकाल सकते हो। तो इसके क्या है, भूल नहीं सकते ये आपका दरवाजा काफी टाइम तक सेव कर रहा है। ऐसे सारे दरवाजा भी रखेंगे, ऊपर आप देख सकते हो प्लेन है पर अच्छा डिजाइन बना रखा है। ऐसी कौन सी बाहर भी डालेंगे, इससे अच्छी कौन सी नहीं है बाहर, तो एक बार आपको बाहर की दिखाता हूँ। हॉल वाली कौन सी रिंग थी, हॉल वाली कौन सी रिंग थी, काफी सुंदर डिजाइन है इसका भी, और देखो वॉल से मैच कर रही है, और मुझे तो काफी जैसे कहते हैं ना बढ़िया रॉयल लुक दे रही है, और वो आपके लैंप्स देखो काफी सुंदर है। आओ तुम तो बालकनी की बात करो, बालकनी देखते हैं यहाँ से। तो ये तो हमारा रूम और हॉल था, अब मैं आपको किचन दिखा रहा हूँ। किचन काफी बढ़िया किचन है, अब किचन देखते हैं। तो ये जो है हमारी ओपन किचन है, ऊपर एक लाइट लग रखी है और यहाँ पे भी आप एक लाइट लगा सकते हो। यहाँ पे आपको सिंक दे रखा है, कैबिनेट दे रखे हैं, यहाँ पे सारे कैबिनेट बढ़िया उनके बने हुए हैं, अंदर काफी स्पेस है इनमें सब में। स्लैब दे रखी है, यहाँ पे गैस कर सकते हो, और शायद आपको इसके साथ चिमनी भी मिलेगी। और यहाँ पे एक सेल्फ है ऊपर वाले कैबिनेट में, काफी बढ़िया क्वालिटी में है, अंदर से ब्लैक से पेंट कर रखे हैं, बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं फ्लैट के हिसाब से। और आप ये यहाँ पर एक विंडो देख सकते हो, किचन में दे रखी है, एक विंडो है आपका एग्जॉस्ट करा सकते हो आप वहां पर ऊपर, यहाँ एक शाफ्ट और यहाँ देख रहे हो इधर, ये एलजी की गैस पाइपलाइन है, येलो वाली जो होती है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो ये आईजेन की गैस पाइपलाइन है, तो इसमें क्या आपका गैस का सारा सिस्टम हो जाएगा, कोई सिलेंडर का झंझट नहीं आपको लाना नहीं ले आना, और आपको घर के साथ उसकी फिटिंग मिलेगी बिल्कुल। यहाँ सिंक दे रखा है, टैप है, अभी कनेक्ट नहीं है उसमें, तो वो पानी नहीं आ रहा इसमें। तो ये किचन थी हमारे, किचन से बाथरूम दिखाई, किचन के बगल में बिल्कुल, तो इसका भी बहुत काफी अच्छी क्वालिटी का है, और बाथरूम बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे रिमोट लगा हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। यहाँ टैप्स लगी हुई है, एक टैप यहाँ पे सेपरेट दे रखी है, ये मिक्स वाली टैप है, ऊपर शार दे रखा है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये सब। और डोर आप देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का, टाइल्स बहुत अच्छी लगा रखी है इन्होंने, लाइटिंग आप कैसे लगा सकते हो, और ऊपर देखो यहाँ पे भी डिजाइन है, आपको अगर ऊपर कोई लाइट लगानी हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यार जो फ्लैट की डिटेल्स है, अब तुम्हें सारी एग्जैक्ट बता दूं क्या क्या चीजें हैं, चलिए क्या जो मैंने थे बताने वाले वो कहीं चले गए, उनको काम था, तो वो सारी डिटेल्स मुझे बताने गए, मैं आपको बता दूं क्या क्या डिटेल्स है, कितनी प्राइस है, क्या आपको इंस्टॉलमेंट होगी, क्या आपको इसमें गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलेगी, क्या क्या फ्लैट के साथ मिलेगा आपको, कैसी लोकेशन है। तो अभी आपको बता दो भाई इसका क्या है फ्लैट का, इस फ्लैट का जो टोटल प्राइस है वो लगभग 12.5 लाख रुपए है, तो जिसमें आपको फिर आपको इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं, जितना आप मतलब किराया देते हैं बाहर में एक भी जगह का 5-6 हजार रुपए इस टाइप की जगह का, उतनी ही आपको इसमें किस्तें बन जाएंगी, आप उसमें कितने भी किस्तें करवा सकते हैं, वो आपको यहीं आके डिटेल देनी पड़ेगी। आप जैसे आप डाउन पेमेंट देंगे उसके हिसाब से उनकी किस्तें बनेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या है कि जैसे कि 12.5 लाख का फ्लैट है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है शहरी वाली, उसके तहत यहाँ पे आपको 2,67,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है आपके लोन पे, मतलब अगर 12 लाख रुपए का आपका लोन है तो उसमें 2,67,000 रुपए आपको फ्री हो जाएगा, मतलब जो आपका टोटल घर है वो 9 लाख कुछ का रह जाएगा फिर, तो उसकी आपको फिर पे करनी है। तो ये आपको गवर्नमेंट से यहाँ फैसिलिटी मिलेगी, इंस्टॉलमेंट बहुत ईजी है, यहाँ की आप आराम से जैसे किराया भरते मिलेगी पैसे भर सकते हो, मार्केट काफी अच्छी है, यहाँ पे ग्रोइंग मार्केट है, धीरे धीरे ग्रो ही कर रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ ड्रेनेज सिस्टम में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीवर डले हुए हैं, यहाँ गैस पाइपलाइन से वाटर की पाइपलाइन है, सारी फैसिलिटी है, बिल्डिंग का उतने समस्या लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, आपको पानी हमेशा मिलेगा, टंकी मिलेगी आपको 1,000 लीटर की इसमें साथ में, प्लस में इसके साथ जो बेनिफिट्स है फ्लैट होगी तो आपको इसमें लाइट्स लगी मिलेंगी, फैन मिलेंगे, साथ में आरओ मिलेगा, और ये सारी फैसिलिटी आपको फ्लैट के साथ मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसमें। सर जैसे मैंने बताया कि सारी फैसिलिटी, प्लस मैं सब पूछूंगा कि कमेंट में मैं पूछ लूंगी क्या क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। आसपास काफी अच्छी मार्केट है, यहाँ पे स्कूल्स है और हॉस्पिटल भी है यहाँ पे,
पुलिस स्टेशन पास में, दो पीसीआर हमेशा कॉलोनी में सोसाइटी है, यहाँ पे रेल वाली सोसाइटी, तो इसमें हमेशा दो पीसीआर रहेगी, कोई टेंशन नहीं है उसकी, सर्विलेंस होती है इस एरिया की और पुलिस वाले राउंड पे आते रहते हैं, स्कूल बहुत अच्छे हैं यहाँ पे आसपास, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल भी है और पार्क भी काफी सारे यहाँ पे बने हुए हैं, मतलब फिटनेस का लेवल कोई चिंता नहीं है, बाहर जिम भी है मेन मार्केट में और सहारनपुर हाईवे से 700 मीटर की दूरी पे, जिस इस लोकेशन में यहाँ पड़ा कि सहारनपुर हाईवे से 700 मीटर की दूरी पे और दिल्ली से मात्र सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है एक एरिया, मतलब अगर दिल्ली वाला जो एरिया ग्रो कर रहा है ये एरिया भी साथ साथ इसके ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे जो रोड है मतलब जो फ्रंट साइड है इसकी, तो यहाँ पे 30 फुट रोड है, काफी बड़ा रोड है, आप आराम से अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हो, घर के अंदर जो फ्लैट है मेन बिल्डिंग है उसके अंदर आपको टू व्हीलर की पार्किंग मिलेगी, उसकी भी कोई टेंशन नहीं, आप अपनी गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हो, बाहर आप अपनी फोर व्हीलर अगर आपके पास है आप वो भी खड़ी कर सकते हो, और पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, पानी की कोई टेंशन नहीं है, लाइट की कोई टेंशन नहीं है, हम लोग फैन बंद करके बना रहे हैं भाई आवाज आती है आपको फिर क्लियर नहीं होता, तो उसके थोड़ा पसीना हुआ एक करना, तो बाकी आपको मतलब परफेक्ट लोकेशन, परफेक्ट प्राइस, बिल्कुल जिसे कहते हैं हर चीज परफेक्ट है, अगर आप उसको लेना चाहते हो आपका बजट कम हो तो कोई टेंशन नहीं, आप आराम से डाउन पेमेंट करो 1-1.5 लाख रुपए जो भी बढ़ने आपको और आराम से आपको लोन मिल जाएगा, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, मतलब मेरे क्या मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी और भी आपको डिटेल्स देंगे तो डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर दे रखे मैंने, जो हमारे महन भाई है महन राणा उनका नंबर दे रखा मैंने, लोकेशन का एड्रेस है वो डाल रखा है यहाँ पे, और प्लस में जो भी आपको डिटेल लेनी है और डिटेल्स आप महन भाई को फोन करना, मैं डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में पिन करके उनका नंबर डाल दूंगा, वो आपको और भी अच्छे से बता देंगे, और आपको देखना है तो मेरी मतलब आगे देखिए, तो दिल्ली से बहुत पास में अगर आप दिल्ली वाले गाजियाबाद से आप आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है।